की तूने जो कीमत आएगा तू रब की रजा जो मिल रहा उसे बांट ले है इसमें राजी रब तेरा खलकत की तूने जो कीमत आएगा तू अलैकुम जी। हर साल की तरह इस दफा भी हम कुर्बानी के दिन आपसे मुखातिब हैं और आज हम स्लॉटर हाउस में हैं जहां पर हमारी अंदर कुर्बानी हो रही है और हमारी गाड़ियां पीछे तैयार हैं जो कुर्बानी का गोश्त लेकर स्कूल के बच्चों तक पहुंचेगी, नादार फैमिलियों तक पहुंचेंगी और जिन दोस्तों ने हमारे साथ हिस्सा डाला उनको हिस्सा देने के लिए पहुँचेंगी। तो अभी हम यहाँ हैं सारी टीम, बस ये आलमोस्ट जो है चिलर जो है वो लोड हो रहा है। इस दफ़ा सिर्फ प्रोसेस में ये एंटर किया है कि जब पहले स्लॉटरिंग हुई है तो उसके चार पीस करके पहले उन्हें ठंडा किया गया है माइनस टेम्परेचर पर, फिर उन्हें काटा गया है और फिर उन्हें ठंडा किया गया है। तो इससे यह है कि पिछले साल जो हमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हुई थी गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, उम्मीद है कि वो इस साल नहीं होगी और इंशाल्लाह हमारे जितने भी बेनिफिशरीज हैं उन तक गोश्त बहुत अच्छा पहुँचेगा और जो है वो इंशाल्लाह गोश्त पकाएंगे और खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है और अल्लाह वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इन्होंने कुर्बानी का गोश्त दिया और पूरे स्कूल को दिया, हम बहुत खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है। मैं थैंक यू करती हूँ अल्लाह वाले का, हमें खाना भी देते हैं और गोश्त भी देते हैं, इनका थैंक यू। आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक।